हेलो स्टूडेंट्स, तो इसके पहले क्लास में हम लोग बेसिक्स मैथ्स इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। अभी आज हम क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे। और फिजिक्स में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। वेक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे कि वेक्टर होता क्या है, स्केलर क्या होता है, वेक्टर को हम कैसे, मतलब वेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, है ना। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी से हम क्या समझते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी इसको हम बोलते हैं जिसका यूज फिजिक्स के लॉ को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। दोज क्वांटिटीज विच आर यूज टू डिफाइन द लॉ ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी और आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। वैसे क्वांटिटी जिनका यूज फिजिक्स के लॉ को डिफाइन करने के लिए किया जाता है, वैसे क्वांटिटी जितने भी हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। तो इसके लिए आप लिखेंगे सबसे पहले क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। तो क्या लिखेंगे, दोज क्वांटिटीज विच आर यूज्ड टू डिफाइन द लॉ ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। वैसे क्वांटिटी जिनका यूज फिजिक्स के लॉ को डिफाइन करने के लिए किया जाता है, तो जितने भी वैसे क्वांटिटीज हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। तो कुछ ऐसे क्वांटिटीज होते हैं जिनके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और क्या होता है, डायरेक्शन होता है। कुछ ऐसे भी क्वांटिटीज होते हैं जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो डिपेंडिंग ऑन वेदर द फिजिकल क्वांटिटीज ओनली हैव मैग्नीट्यूड और हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, फिजिकल क्वांटिटीज हैज बीन डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स। फिजिकल क्वांटिटी को किस आधार पे हम डिवाइड किया है, कि कुछ ऐसे क्वांटिटीज होते हैं जिनके साथ केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे आप मास का एग्जांपल ले लेंगे, तो मास क्या है, उसके साथ डायरेक्शन नहीं है। आपने कभी मास 2 kg डायरेक्शन नहीं दिया रहता है। लेकिन आप यदि फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स क्या है, प्रॉपर डायरेक्शन के साथ दिखाया जाता है, है ना। तो इसी के बेसिस पे कुछ ऐसे क्वांटिटी हैं जिनके साथ क्या है, केवल मैग्नीट्यूड एसोसिएट होता है, और कुछ ऐसे क्वांटिटी हैं जिनके साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एसोसिएट होता है। उसके बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटी को दो टाइप में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। क्या है, तो पहला पॉइंट ये है ना, तो देयर आर क्या है, अब यहां मैं लिख देता हूं, फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटीज को दो पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, जिसको हम बोलते हैं क्या, स्केलर, या स्केलर भी पढ़ते हैं, स्केलर, और क्या दूसरा हम क्या बोलते हैं, वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्केलर और क्या है, वेक्टर। स्केलर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज और आर कॉल्ड स्केलर। तो क्या लिख सकते हैं यहां, स्केलर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटी क्या लिखेंगे, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच
विच हैव वनली वनली मैग्नीट्यूड 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 आर कॉल्ड आर कॉल्ड स्केलर स्केलर क्वांटिटी क्या है दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए हम क्या लिख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए क्या लिख सकते हैं मास क्या है मास है ना मास चार्ज टाइम अब आप बोलोगे सर टाइम के साथ तो डायरेक्शन भी होता है पास्ट पास्ट टू प्रेजेंट टू क्या है फ्यूचर फिर भी आप बोल रहे हो कि केवल इसके साथ मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन क्या है आई मीन इसको हम स्केलर ही बोलेंगे ऐसा क्यों तो मैं बाद में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा है ना उसी तरह क्या है काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी जितने भी एनर्जी होते हैं जितने भी ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी सभी क्या होते हैं स्केलर होते हैं हीट उसके बाद करंट करंट में भी डायरेक्शन होता है लेकिन फिर भी हम इसको क्या बोलते हैं स्केलर बोलते हैं और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं स्केलर बोलते हैं तो क्या है मास चार्ज टाइम काइनेटिक एनर्जी हीट करंट ये सब क्या है स्केलर क्वांटिटी है इनके पास ये दो क्या है दो एक्सेप्शनल है टाइम और क्या है करंट जो मैं आपको बताऊंगा बाद में एक्सप्लेन करूंगा इवन दो टाइम के साथ क्या होता है डायरेक्शन होता है करंट के साथ भी क्या होता है डायरेक्शन होता है लेकिन हम इसको वेक्टर नहीं बोलते हैं क्या बोलते हैं स्केलर बोलते हैं क्यों बोलते हैं इसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा अब आपको एक पॉइंट तो ये हुआ दूसरा पॉइंट क्या लिखना है कि स्केलर क्वांटिटी क्वांटिटीज कैन बी एडेड सब्ट्रैक्टेड मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाई यूजिंग सिंपल लॉ ऑफ एलजेब्रा इसका मतलब क्या होगा मैं आपको बताता हूं बाई यूजिंग सिंपल लॉ ऑफ एलजेब्रा सिंपल लॉ ऑफ एलजेब्रा जैसे सिंपल मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं कि मान लो कि कोई क्या है ये सिस्टम है ना ये क्या है सिस्टम दिया हुआ है और इस सिस्टम जो है वो क्या है कई पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है क्या है इसमें कई पार्टिकल मान लो कि वन पार्टिकल है ये टू पार्टिकल है ये थ्री है ये फोर है और ये फाइव है चलो फाइव पार्टिकल से क्या है ये सिस्टम मिलकर के बना है इस फर्स्ट पार्टिकल का मास क्या है 2 kg इसका 5 kg इसका क्या है 9 kg है और इसका क्या है 10 kg है फोर पार्टिकल का मास क्या है 10 kg है और फाइव का क्या है 20 kg है अब आपसे मैं सिंपल पूछूं क्या है सिंपल पूछूं कि व्हाट इज द मास ऑफ द सिस्टम मास ऑफ द सिस्टम आप बताओ मास ऑफ द क्या है मास ऑफ द सिस्टम तो मास ऑफ द सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि क्या है इसका टोटल मास कितना होगा ये जितने पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है उनके मास को हम क्या करें यदि ऐड कर दें तो टोटल सिस्टम का क्या हो जाएगा मास अपने को मालूम चल जाएगा क्या हो जाएगा मास मालूम चल जाएगा कितने पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है तो हम बोल सकते हैं कितने हैं 5 पार्टिकल तो मास ऑफ पार्टिकल फर्स्ट प्लस मास ऑफ पार्टिकल सेकंड प्लस मास ऑफ पार्टिकल क्या होगा पार्टिकल थर्ड प्लस मास ऑफ पार्टिकल फोर प्लस मास ऑफ पार्टिकल फाइव अब कितना मास है 2 kg 2 + 5 + 9 + 10 + 20 इसको ऐड कर दोगे तो कितना होगा 37 और 9 कितना हो जाएगा 46 तो 46 क्या होगा केजी तो सिंपल जो हमने अलजेब्रा सिंपल हम मल्टीप्लीकेशन डिवीजन जो 7th 8th 9th 10th में पढ़ते आ रहे हैं
उसको यूज करके आपको स्केलर क्वांटिटी को क्या करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है और क्या करना है, डिवाइड करना है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के साथ ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी के साथ क्या होगा, ऐसा नहीं होगा। तो अभी आपको समझ में आया कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, सच फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। और स्केलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड, डिवाइडेड बाय यूजिंग सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा। आई मीन सिंपल जो हम 7th, 8th, 9th, 10th में हम पढ़े हैं उसको यूज करके हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्या है सेकंड जो फिजिकल क्वांटिटी है, कौन सा है, वेक्टर। वही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, वेक्टर। केवल अपने स्केलर के बारे में क्या है, इंट्रोडक्शन पढ़ना था कि स्केलर होता क्या है, वेक्टर। लेकिन अभी तक के पूरे आई मीन 10 to 15 days हम क्या पढ़ेंगे, केवल वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिजिक्स। आप ऐसे बोल सकते हो कि ये क्या है, फाउंडेशन है, बिल्डिंग ब्लॉक है फिजिक्स को सीखने के लिए। यदि आपको वेक्टर अच्छे से आता है तो फिजिक्स में आपको मतलब 50% क्या होगा, प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपको फिजिक्स टफ नहीं लगेगा। तो हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मैं ट्राई करूंगा कि जितने अच्छे से हो सके आप कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सिंपल वे में एक्सप्लेन करूं और आप लोगों को चीजें समझ में आए, मैं अपने तरफ से। हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम आप लोगों को भी क्या करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि मेरे ही कोशिश करने से कुछ हो सकता है। तो आई थिंक स्केलर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं क्या है, वेक्टर। क्या है, वेक्टर। वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या है, वेक्टर। वेक्टर के लिए क्या लिखेंगे, दोज, दोज फिजिकल, फिजिकल क्वांटिटीज दोज फिजिकल क्वांटिटी विच दोज फिजिकल क्वांटिटीज हैव ए में क्या होगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। बी में क्या होगा, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव, विच हैव, यहाँ लिख लो विच हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। और एक थर्ड भी याद रखना, क्या है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड क्या है, थर्ड, दो ही याद रखना, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड क्या है, ऐसे ही लिख डालो, है ना, विच हैव मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। क्या है, आर कॉल्ड वेक्टर। जैसे एग्जांपल के लिए आप सिंपल एग्जांपल ले लो, एग्जांपल के लिए हम क्या लिख सकते हैं, पहला एग्जांपल क्या है, डिस्प्लेसमेंट। क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। देखो जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपको मैं थोड़ा बता दूं कि इसमें डायरेक्शन कैसे एसोसिएटेड। ये मान लो क्या है, इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, आप ये समझ लो इनिशियल पॉइंट क्या है, रोटरी स्कूल है, आई मीन स्कूल आप समझ लो। और ये फाइनल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट क्या है, खेल। इनिशियल पॉइंट आपको क्या है, रोटरी स्कूल से कहा खेड़ जाना है। तो ऐसे कई पाथ्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स हो सकते हैं। आप ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो। मैं बोल रहा हूं ना, कितने पाथ होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ होंगे। लेकिन आपसे मैं बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल पोजिशन टू द क्या होगा, फाइनल पोजिशन। इनिशियल लाइन ज्वाइनिंग या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्या होगा, इनिशियल पोजिशन टू द क्या होगा,
फाइनल पोजीशन, इनिशियल टू फाइनल, नॉट फाइनल टू इनिशियल। तो यहाँ जो एरो दिया हुआ है क्या इंडिकेट कर रहा है कि हम इनिशियल से फाइनल जा रहे हैं। यदि एरो नहीं होता तो आपको ये मालूम चलता कि आप खेड़ से स्कूल जा रहे हो या स्कूल से खेड़ जा रहे हो, कुछ मालूम नहीं चलता। मैं यदि एरो हटा दूं तो आपको क्या ये मालूम चलेगा कि आप खेड़ से स्कूल जा रहे हो या स्कूल से खेड़ जा रहे हो, आपको मालूम नहीं चलेगा। लेकिन मैं यदि मेंशन कर दूं कि नहीं खेड़ से हम स्कूल जा रहे हैं, एरो दे दिया, इसका मतलब ये हुआ कि नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम क्या है रोटरी स्कूल टू खेड़, इसका मतलब क्या हुआ, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्या होगा इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, और यहाँ जो एरो होगा वो क्या चीज को इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन को। तो इसलिए अब क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या है ये आगे हम पढ़ेंगे, वेलोसिटी फोर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन उसके बाद क्या है एक्सेलरेशन फोर्स एंड सो ऑन। तो क्या है कुछ ऐसे क्वांटिटीज हैं जिनके साथ क्या है, क्या है जिनके साथ मैग्नीट्यूड भी है और प्रॉपर डायरेक्शन भी एसोसिएटेड है। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड और आर कॉल्ड वेक्टर्स। तो ये आपको क्या करना है, माइंड में रखना है। हाँ, ऐसा एक्सेप्शनल होगा जो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कुछ ऐसे ही नहीं होता है, बाद में मैं ये बताऊंगा कि मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, तभी हम क्या बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, वेक्टर, वेक्टर बोल सकते हैं, अदरवाइज हम इसको वेक्टर नहीं बोल सकते हैं, है ना। तभी हम क्या कर सकते हैं इसको, वेक्टर बोल सकते हैं, अदरवाइज क्या है हम उसको वेक्टर नहीं बोल सकते हैं। तो ये क्या है वेक्टर, वेक्टर ऐसे क्वांटिटीज हैं जिसमें क्या है मैग्नीट्यूड है और क्या है डायरेक्शन है। तो वैसे क्वांटिटीज को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। अब होता है कि हम इसको सिंबल, आई मीन इसका नोटेशन क्या होगा, नोटेशन ऑफ वेक्टर, आई मीन वेक्टर को डिनोट कैसे करोगे। तो देखो अभी हम क्या पढ़ेंगे, नोटेशन ऑफ वेक्टर क्या होगा, नोटेशन, नोटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को क्या करते हैं कि वेक्टर को दो तरह से, आई मीन कोई भी क्वांटिटी दिया हुआ है तो आप कैसे पहचानोगे कि ये वेक्टर है और क्या है स्केलर है। तो वेक्टर का मतलब क्या होता है कि कोई भी सिंबल है तो उस पर आप क्या करो, एरो रख दो या डार्क फेसेस में क्या करो आप लिखो। तो क्या है, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, क्या होगा वेक्टर, क्या होगा वेक्टर इज क्या होगा रिप्रेजेंटेड बाय आइदर, क्या होगा आइदर पुटिंग एरो ओवर द सिंबल, सिंबल ऑफ रिप्रेजेंटेशन और by writing symbol symbol in boldface, boldface। क्या करोगे, दो तरह से आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। आइदर क्या करो, जैसे मान लो कि मुझे फोर्स है तो फोर्स को हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, फोर्स। तो ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब वेक्टर नहीं हुआ, लेकिन आप यदि उसके ऊपर क्या करोगे एरो लिख दोगे तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, फोर्स आई मीन वेक्टर एफ, क्या पढ़ेंगे इसको, वेक्टर क्या होगा एफ, वेक्टर एफ। उसी तरह यदि दिया हुआ है डी दिया हुआ है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, वेक्टर क्या पढ़ेंगे, वेक्टर
डी, ऐसे हम रीड एज, आई मीन हम ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ेंगे वेक्टर डी। दूसरा क्या है कि यदि हमने डी लिखा तो क्या किया, हमने यदि डी लिखा तो डी को हम क्या करें, डार्क कर दें। बोल्ड फेसेस का मतलब क्या हुआ, देखो इधर कहीं लिखा हूं क्या है, बोल्ड फेसेस। बोल्ड फेसेस का मतलब क्या हुआ, जैसे आप एनसीईआरटी का बुक पढ़ोगे तो उसमें जनरली क्या है, वेक्टर को डार्क आई मीन बोल्ड फेसेस, बोल्ड फेसेस के द्वारा क्या किया गया, रिप्रेजेंट किया गया। आई मीन जो सिंबल है उसको ज्यादा आप डार्क कर दोगे तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, वेक्टर कंसीडर करेंगे। तो ये क्या हुआ, बोल्ड फेसेस के द्वारा भी हम क्या करेंगे, यदि ऐसे डार्क दिया हुआ है, ऐसे डार्क दे दिया गया तो इसको भी हम क्या पढ़ेंगे, वेक्टर। क्या है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, वेक्टर हम पढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, तो नोटेशन वेक्टर को कैसे आप डिनोट करोगे, आइदर सिंबल पे क्या करो, एरो रख दो तो आप उसको वेक्टर कंसीडर करोगे, या उसको डार्क फेसेस में या बोल्ड फेसेस में क्या करो, लिखो, तभी भी क्या होगा, वो वेक्टर होगा, तभी भी क्या होगा, वो वेक्टर होगा। उसके बाद अब ये तो रहा वेक्टर, अब मैंने बताया था, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। बेसिकली क्या है, नोटेशन था, अब हम क्या पढ़ेंगे, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर इज डिनोटेड बाय, ऐसे लिखते ना यार, डिनोटेड लिख दो सबसे अच्छा है, डिनोटेड बाय आइदर पुटिंग एरो ओवर द सिंबल ऑफ रिप्रेजेंटेशन और बाय राइटिंग सिंबल इन बोल्ड फेस। अब यहां क्या लिखेंगे, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। तो क्या है वेक्टर, क्या है वेक्टर, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेड बाय ए डायरेक्टेड, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हुज लेंथ, हुज हुज लेंथ गिव्स द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड whose direction gives the direction of a vector. I mean क्या है, representation of vector, vector क्या है, vector is represented by a directed line segment, line segment आप सभी लोग 9th-10th class में पढ़े हैं, whose length gives the magnitude of a vector and whose direction gives the direction of a vector. I mean ये दिया हुआ है, मैं ये बोलूं कि क्या है, कि यही क्या है P की directed line segment का मतलब क्या हुआ, इसमें arrow होना चाहिए, यही क्या है directed line segment, ये क्या दिया हुआ है A B, हमने मान लिया। और मैं यदि लिखूं कि ये vector क्या है, A है, तो vector A का जो direction होगा वो क्या होगा, A B के direction की तरफ होगा, है ना। और इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को हम क्या, मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्नीट्यूड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हम कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू क्या होता है, इसको दो वर्टिकल लाइन के अंदर लिखते हैं, इसको मोर नहीं पढ़ेंगे, वेक्टर में हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड। तो ये कोई पूछे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना होगा, तो जब भी हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो एरो क्या करते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ any vector is nothing but a scalar quantity. तो ये क्या हो गया, a हो गया, और a जो होगा वो क्या होगा, I mean a का जो value होगा वो क्या होगा, इस line segment के length के क्या होगा, equal होगा, क्या होगा, इस line segment के क्या होगा, length के क्या होगा, equal होगा, क्या होगा, line segment के length के क्या होगा, equal होगा। तो हम बोल सकते हैं कि magnitude of Vector A is equal to क्या होगा, AB। तो I mean लिख सकते हैं magnitude of A equal to क्या होगा, AB।
कि आपको क्या करना है, हमेशा जब भी मुझे क्या करना है किसी वेक्टर को, अब जिसका लेंथ ज्यादा होगा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जिसका लेंथ क्या होगा कम होगा उसका क्या होगा मैग्नीट्यूड भी क्या होगा कम होगा। तो हम बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ग्रेटर द क्या होगा लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, मोर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर, एंड क्या होगा वाइसे वर्सा। ये आपको क्या करना है याद रखना है, जैसे जैसे दिया हुआ है एग्जाम्पल देखो क्या है आपको समझना है, वो क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है, देखो ध्यान से, एक वेक्टर ए दिया हुआ है और दूसरा वेक्टर क्या दिया हुआ है बी दिया हुआ है, और आपसे कोई पूछे कि दोनों का मैग्नीट्यूड बताओ, मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, तो देखो तो लेंथ किसका ज्यादा है, किस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का लेंथ ज्यादा है इसका, तो ऑफकोर्स क्या होगा वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज ग्रेटर देन क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये क्या हुआ मैग्नीट्यूड, ये आदर डालो पढ़ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और ये क्या हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा वेक्टर बी। तो ग्रेटर द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट मोर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर एंड वाइस वर्सा। और डायरेक्शन आपसे कोई पूछे कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, तो एक यदि मैं इसको लिख दूं ए बी, तो हम बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू क्या होगा ए बी होगा। यदि इसको सी डी लिख दूं तो मैं बोल सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होगा सी डी, इसका लेंथ। तो ये आपको क्या करना है माइंड में रखना है। तो ऑलवेज क्या होगा वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हुज लेंथ गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड हुज डायरेक्शन गिव द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, है ना। ये आपको क्या करना है माइंड में रखना है। और मैग्नीट्यूड को हमेशा हम क्या करते हैं दो वर्टिकल लाइन के क्या करते हैं बीच में लिखते हैं, दो वर्टिकल लाइन के बीच में हम लिख देंगे तो हम इसको क्या पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। यदि वेक्टर ए को हम दो वर्टिकल लाइन के अंदर रखें तो हम उसको क्या पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, क्या पढ़ेंगे ए, क्या पढ़ेंगे हम उसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये आपको इसके बाद आपको अब हम क्या पढ़ेंगे टाइप ऑफ वेक्टर्स, कितने तरह के वेक्टर्स होते हैं। बाद में हम लिखेंगे कि कुछ क्वांटिटी ऐसे हैं जो क्या है जिनका मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन है लेकिन उसको हम वेक्टर नहीं बोलते हैं। मैं होमवर्क दूंगा, आप भी थोड़ा सोचना सर्च करना मुझे आंसर सेंड करना, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे टाइप ऑफ वेक्टर, क्या पढ़ेंगे टाइप ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, फर्स्ट जो है वो क्या है पैरेलल वेक्टर, क्या है पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल तो क्या है टू वेक्टर्स आर सेड टू बी क्या होगा पैरेलल इफ दे आर डायरेक्टेड अलोंग द सेम लाइन, अलोंग द क्या होगा सेम लाइन, डायरेक्टेड अलोंग द सेम लाइन। यदि दो वेक्टर दिया हुआ हो, देखो जैसे क्या है ये दो वेक्टर मान लो, इसको मान लो एरो, कैप को एरो मान लो, तो यदि दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो जाए तो हम क्या बोलेंगे पैरेलल वेक्टर बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। हम ऐसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जैसे देखो ये क्या है एक वेक्टर ए हो गया, इसको हमने ए मान लिया, और दूसरा वेक्टर क्या हुआ ए वेक्टर बी हो गया, दोनों का डायरेक्शन सेम है क्या, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो हम बोल सकते हैं कि क्या होगा
दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो वेक्टर ए इज हम क्या बोलेंगे, पैरेलल टू वेक्टर क्या होगा, बी। क्या होगा, वेक्टर ए इज पैरेलल टू क्या होगा, वेक्टर बी। तो व्हेन टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन देन वी कैन से दैट द बोथ द वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। देन वी कैन से दैट बोथ द वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। व्हेन टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे आर डायरेक्टेड अलोंग द सेम लाइन। कैसे भी, यहां ऐसे भी दिया हुआ हो, देखो ध्यान से, कैसे भी दिया हुआ, एक वेक्टर सी हुआ और एक क्या हुआ, डी हुआ, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, यहां वेक्टर सी इज पैरेलल टू क्या होगा, वेक्टर डी, ऐसे बोल सकते हैं। अब यहां नोट में क्या लिखना है, नोट में आपको क्या लिखना है, नोट में क्या है कि एंगल बिटवीन क्या होगा, एंगल, एंगल बिटवीन टू टू पैरेलल पैरेलल वेक्टर पैरेलल वेक्टर्स इज ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज जीरो जीरो डिग्री, ऑलवेज क्या होगा, जीरो डिग्री। आई मीन दो वेक्टर के बीच जो एंगल होगा वो क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, जीरो। जैसे आप जानते हैं कि दो लाइन सेगमेंट, दो पैरेलल लाइन के बीच क्या होगा, एंगल कितना होगा, जीरो डिग्री होगा। उसी तरह क्या होगा कि एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स इज ऑलवेज क्या होगा, जीरो डिग्री होगा। और दो पैरेलल वेक्टर्स हो या एंटी पैरेलल, दूसरा क्या है, लिख सकते हैं कि टू क्या होगा, टू क्या होगा, टू पैरेलल वेक्टर्स, टू पैरेलल पैरेलल वेक्टर्स मीट ईच अदर, मीट ईच अदर एट क्या होगा, इन्फिनिटी, या यू बोल सकते हैं कि वो कभी नहीं मिलेंगे, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये भी आपको क्या करना है, माइंड में रखना है कि दो पैरेलल लाइन के बीच, दो पैरेलल वेक्टर के बीच ऑलवेज एंगल क्या होगा, जीरो डिग्री होगा, है ना, क्या होगा, जीरो डिग्री होगा। और दोनों पैरेलल वेक्टर जो होंगे वो कहाँ मिलेंगे, इन्फिनिटी पे मिलेंगे और कभी मिल नहीं सकते हैं, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला जो इसमें पॉइंट है, अगला जो टाइप है वो क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होगा, एंटी पैरेलल पैरेलल वेक्टर्स। तो यहां क्या लिखेंगे, टू वेक्टर्स, टू क्या होगा, वेक्टर्स आर सेड टू बी एंटी पैरेलल क्या होगा, एंटी पैरेलल इफ इफ दे आर इफ दे आर ऑलवेज ऑलवेज डायरेक्टेड अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू क्या होगा, ईच अदर। यदि दो वेक्टर क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्टेड हो तो हम उनको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उनको, एंटी पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, एंटी पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से कि एक वेक्टर क्या है, यदि इधर है और दूसरा क्या हो जाए, इसको हम वेक्टर ए मान लिए, क्या पढ़ेंगे हम इसको, वेक्टर ए, और इधर एक वेक्टर दिया हुआ है, ये क्या होगा, वेक्टर बी। तो हम बोल सकते हैं वेक्टर ए एंटी पैरेलल का मतलब क्या हुआ, एक एरो अप और दूसरा एरो क्या है, डाउन, एंटी पैरेलल। दूसरा यहां लिख सकते हैं, देखो एक वेक्टर ए सी है, दूसरा वेक्टर क्या है, इधर डी है, तो हम क्या बोलेंगे, वेक्टर सी इज एंटी पैरेलल टू क्या होगा, वेक्टर डी। क्या होगा, एंटी पैरेलल टू क्या होगा, वेक्टर। दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्टेड हो तो हम क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स बोलेंगे। अब यहां क्या लिखना है, अगेन क्या लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, टू एंटी पैरेलल क्या होगा, टू एंटी पैरेलल पैरेलल वेक्टर्स, टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स विल क्या होगा, विल मीट एट क्या होगा, इन्फिनिटी, और ऐसे भी बोल सकते हैं, और दे विल क्या होगा, दे विल नेवर मीट
एक तो भी पॉइंट हो सकता है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि एंगल क्या होगा, याद रखना है एंगल बिटवीन क्या होगा, बिटवीन टू, एंगल बिटवीन टू एंटी पैरेलल वेक्टर विल बी क्या होगा, विल बी 180 डिग्री। क्या होगा, विल बी 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कैसे होगा मैं बताऊंगा आपको, जब दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे डिफाइन करते हैं उस समय मैं आपको बताऊंगा। तो क्या होगा कि विल बी कितना होगा, विल बी इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको क्या करना है, माइंड में रखना है। तो आपको समझ में आया कि पैरेलल का मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एंटी पैरेलल का मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देखो, आप एग्जांपल दे सकते हो, क्या है, एक ब्लॉक है इस पे एक फोर्स F1 लग रहा है ना इधर, और एक फोर्स क्या लग रहा है, F2 इधर। ये ब्लॉक है। दूसरा एक तो यहां देखो, तो हम बोल सकते हैं कि F1 क्या है, F1 इज एंटी पैरेलल टू क्या है, F2। देखो F1 किधर लग रहा है, इधर, और F2 किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल। यदि यहां देखो ध्यान से, यहां सेमी ब्लॉक है, क्या हम बोलेंगे, एक फोर्स इधर लग रहा है F1 है ना, और दूसरा फोर्स क्या है, इसके पैरेलली क्या है, F2 लग रहा है, इस सेम डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहां हम क्या बोलेंगे, यहाँ क्या बोलेंगे, F1 जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल टू क्या होगा, F2 हो जाएगा। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि यदि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। दो वेक्टर यदि अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हम उनको क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल बोलेंगे। अब हम आते हैं कि इक्वल वेक्टर क्या होगा, इक्वल वेक्टर। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, इक्वल वेक्टर। क्या है, इक्वल वेक्टर। तो अगला जो थर्ड जो इसमें पॉइंट है, थ्री, वो क्या है, इक्वल वेक्टर्स। तो क्या है, टू हम बोल सकते हैं, टू और क्या होगा, मोर देन टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ ए में क्या होगा देयर मैग्नीट्यूड आर इक्वल बी में क्या होगा, देयर डायरेक्शन आर सेम। क्या होना चाहिए, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, यदि वेक्टर है और एक इसका जो लेंथ होगा वही क्या होगा, इसके कोरेस्पोंडेंस जो वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा। तो जब भी मैं मैग्नीट्यूड बोलूं तो आप लेंथ सोचना, लेंथ, जिसका ज्यादा लेंथ होगा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जिसका लेंथ कम होगा उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, कम होगा। तो क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड। अब देखो यहां ध्यान से कि दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर क्या है, ए है, और दूसरा वेक्टर क्या है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड लेंथ भी सेम है। देखो तो वेक्टर ए का और वेक्टर बी का लेंथ भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो हम बोल सकते हैं यहां कि वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर बी। क्या हम बोल सकते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर बी। दोनों वेक्टर का क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और क्या होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। लेकिन देखो यहां ध्यान से देखो कि क्या है, यहां और भी यहां देखो कि ये क्या है, दोनों वेक्टर क्या है, सेम डायरेक्शन में है, क्या सेम डायरेक्शन में, पैरेलल है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि क्या होगा, यदि वेक्टर इक्वल है तो क्या होगा, वो पैरेलल होगा ही। क्या होगा, व्हेन टू वेक्टर्स आर इक्वल देन वी कैन से दैट कि दे आर पैरेलल।
बट इसका कोई जरूरी नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल देख लो, दूसरी एग्जाम्पल देख लो, ये क्या है, वेक्टर सी है और ये क्या है, वेक्टर डी है। देखो ये दोनों क्या है, पैरेलल है, आई मीन दोनों का डायरेक्शन सेम है, लेकिन लेंथ सेम है क्या, लेंथ सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि वेक्टर सी नॉट इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर डी। दूसरे केस में आप ये भी देख सकते हो कि दो वेक्टर का क्या है, लेंथ सेम हो, ये वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर मान लो ये क्या है, आप इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम मान लो, इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम है, लेकिन इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम नहीं है, इसका और इसका यहाँ क्या है, लेंथ सेम है, देखो यहाँ, लेकिन डायरेक्शन सेम है क्या, डायरेक्शन सेम नहीं है, इसका डायरेक्शन इधर है, आई मीन लेफ्ट टू राइट, इसका डायरेक्शन किधर है, बॉटम टू क्या है, टॉप। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ भी क्या होगा, इस फिगर में आई मीन ये क्या होगा, फिगर ए हुआ, ये फिगर क्या हुआ, फिगर बी हुआ, और यदि आप इसको फिगर सी कंसीडर कर लो, तो सी में हम बोल सकते हैं कि वेक्टर नट, वेक्टर ए नट इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर बी, क्या होगा, वेक्टर ए नट इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर बी। आई मीन क्या होना चाहिए, दो वेक्टर को हम इक्वल तभी बोल सकते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, दोनों में से एक कोई ट्रू है तो हम उसको इक्वल वेक्टर नहीं बोल सकते हैं। तो यहां से हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, क्या लिख सकते हैं कि ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स, बट ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल वेक्टर्स। इक्वल हो भी सकता है और क्या हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं कि ऑल पैरेलल, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल, बट ऑल पैरेलल वेक्टर्स मे और मे नॉट बी इक्वल वेक्टर्स डिपेंडिंग ऑन द क्या होगा, कंडीशन। जैसे देखो ये क्या है, पैरेलल वेक्टर्स है लेकिन इक्वल वेक्टर्स नहीं है, ये इक्वल भी है और क्या है, पैरेलल है, ये कुछ भी नहीं है, ना पैरेलल है और क्या है, ना इक्वल है ना, ना पैरेलल है और ना क्या है, ना इक्वल है। तो यहाँ नोट में हम लिखेंगे क्या होगा कि ऑल क्या होगा, इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल, क्या लिखेंगे नोट में, यहाँ ये पूछा जाएगा क्या होगा कि ऑल इक्वल इक्वल वेक्टर्स वेक्टर्स आर पैरेलल, बट ऑल पैरेलल पैरेलल वेक्टर्स वेक्टर्स मे और क्या होगा, मे नॉट बी क्या होगा, नॉट बी क्या होगा, नॉट बी इक्वल। यहां एक चीज और लिख सकते हो, यहां लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर इज पैरेलल टू क्या होगा, वेक्टर बी, ये भी आप लिख सकते हो, यहाँ ए नहीं है लेकिन क्या है, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी क्या है, पैरेलल है, यहाँ क्या है, ये पैरेलल नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं यदि क्या है, मोर देन वन वेक्टर दिया हुआ है, देखो ध्यान से, ऐसे हमने क्या किया, कई वेक्टर कंसीडर कर लिए, सबका लेंथ हमने सेम मान लिया, ए वैक्टर ए है, ए वैक्टर बी है, ए वैक्टर सी है, ए वैक्टर क्या है, डी है। तो हम लिख सकते हैं वैक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, पैरेलल टू क्या लिख सकते हैं, वेक्टर सी, पैरेलल टू क्या लिख सकते हैं, पैरेलल टू वेक्टर डी। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है क्या होगा कि ऑल इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज पैरेलल, बट ऑल पैरेलल वेक्टर्स क्या होगा, इक्वल हो भी सकता है और क्या है, नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, क्या है, डिपेंड करता है, आई मीन केस क्या है, डिपेंडेंट होता है, ठीक है। इसके बाद और जो रिमेनिंग टाइप्स हैं दूसरे क्लास में हम क्या है, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, है ना। हाँ, आप लोग होमवर्क क्या है, आप लोग ध्यान से सुनो कि दो तीन चीज़ें हैं, देखो ध्यान से कि क्या है, प्रेशर आप लोग जानते हो, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, इवन दो क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, एज आई हैव एक्सप्लेन, फोर्स इज इक्वल टू क्या, फोर्स क्या है, वेक्टर है, तो वेक्टर, फोर्स वेक्टर है लेकिन प्रेशर स्केलर है, ऐसा क्यों। उसके बाद एज वी नो दैट देयर इज ए डायरेक्शन एसोसिएटेड विद टाइम एज वेल एज क्या होगा, करंट, क्या है, टाइम और करंट के साथ क्या होता है, डायरेक्शन एसोसिएट होता है, फिर भी हम ना करंट को हम वेक्टर बोलते हैं और ना टाइम को वेक्टर बोलते हैं, ऐसा क्यों, आपको क्वेश्चन में समझ में आया। इवन दो प्रेशर, प्रेशर क्या होगा, प्रेशर टाइम एंड क्या होगा, करंट ऑल हैव डायरेक्शन, स्टिल वी कंसीडर देम एज स्केलर, वाई,
ऐसा क्यों हम उनको कंसीडर करते हैं? तो आप इसको सोच करके आना और आप मुझे आंसर भी एक्सप्लेन करके लिख भेज सकते हो, और इसके बाद मैं आपको ऑल टाइप्स ऑफ वेक्टर बताऊंगा, और बाद में जब मैं वेक्टर एडिशन पढ़ा लूंगा तो वहां इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? या एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप कोई भी क्वांटिटीज दिया हुआ है तो आप आसानी से बता सकते हो कि नहीं ये क्या है, स्केलर है, और क्या है, ये वेक्टर होगा, ठीक है? ओके, थैंक यू।